देखिए यहाँ बैठी हुई है चुप करके सुनीता। तो चलिए आज राय पूछते हैं कि सुनीता का क्या विचार है, शादी करना है कि नहीं करना है ना। चलिए आ जाओ बाहर आ जाओ। और दोस्तों सुनीता भी दरा करके देसी फिराम बैठी हुई है। तो चलिए राय पूछते हैं सुनीता का कि आखिर इसका क्या मन कर रहा है, मतलब क्या मन इसका मन में क्या है, शादी करना है कि नहीं करना है कि पढ़ाई करना है। अब मम्मी भी है तो चलिए पूछिए। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है और एक न्यू ब्लॉग्स में। और दोस्तों अभी 7 बज रही है सुबह की और आप सभी लोगों को हमारी ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। बोलो बेटा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो बाबू। गुड मॉर्निंग। और हम लोग सभी लोग उठ गए, मतलब उठे हुए थे पहले ही, लेकिन धूप नहीं निकलता ना। तो रिया जी अभी आ रहे हैं बाहर, खटिया वगैरह बिछाएंगे और थोड़ा सा धूप लगाएंगे। बाबू थोड़ा सा और ज्यादा पहर हो जाएगा ना, तो वो अभी धूप कड़ा हो जाएगा, बर्दाश्त नहीं होगा। इसको धूप लगाना पड़ता है डेली सुबह सुबह ना। बाबू भी पूरा उठ गया है, देखिए इधर। ए आँख नहीं खोल रहा, आँख नहीं खोल रहा, खोलो 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 खोलो। खोल गया, देखिए इधर। हाँ आ तो गया ही, तो हाँ यही यही ठीक रहेगा ना, यही ठीक रहेगा। हाँ और देखिए चिंकी मिंकी भी यहाँ पे धूप लगा रहे हैं सुबह सुबह। देखिए भूरी लगा रही है, ये बातें करने की कोशिश कर रही है, भी धूप लगा रही है, दोनों धूप लगा रहे हैं। और बाकी इधर मम्मी और सुनते इधर खाना पका रहे हैं किचन में, क्योंकि आप लोग भी ज्यादा कमेंट कर रहे थे ना कि रिया जी को थोड़ा सा मतलब केयर करिएगा। तो हो गया है, मतलब अभी कहीं जब से इनका तबियत बिगड़ा ना, तब से हम लोग भी काफी डर कर, आप लोग भी कमेंट कर रहे थे ना ऐसे, जब नीतू नीतू कह रहे हैं। हाँ हाँ हम लोग का डर गए। अच्छा देखिए दोस्तों यहाँ मुर्गी बैठी हुई, नहीं अंडा देगी, अंडा ये अंडा देने के लिए यहाँ पे बैठी हुई है। देखिये मुर्गी ऐसे ही अंडा देते हैं, भीम भीम देते ना मुर्गी ने, है ना। मम्मी से पूछ रहे हैं अंडा देगी, अंडा देगी तो दिखाएंगे आप सभी लोगों को। आज पहला अंडा देगी आज। दे ले। देखे दोस्तों अंडा भी दे दी, आप सभी लोगों को दिखा रहे हैं सुबह सुबह। देसी अंडा, प्योर देसी अंडा। ये देखे दोस्तों अंडा, देखे प्योर अंडा कैसे होते हैं, देख लीजिए। गर्मा गर्म है जी, देखिए। और पहला अंडा ना तो पक्का ये मुर्गा ही होगा। लोग बोलते हैं कि पहला अंडा मुर्गा होता है, मुर्गा होती ना। देखिए अंडा देखिए, और पोल्ट्री वाला अंडा बड़ा होता है, ये प्योर देसी वाला अंडा देख लीजिए। ऐसे ही होते हैं, मतलब अभी तुरंत अंडा दिए। मम्मी जी रखेंगे, काय को डीम देते, 10-12 को डीम देती, इससे ज्यादा देती नहीं है देहाती मुर्गी। ये भी उठ गया, इसको भी अंडा देखना है क्या, अंडा देखना है। नन्हे मुन्ने मुन्ने बच्चे निकलेंगे अंडा से तुम्हारे जैसे। हाँ छोटा सा, छोटा छोटा बच्चे निकलेंगे, चुचे खेलेगा ना, तब तक भी बड़ा हो जाएगा। एक डेढ़ महीना में भी देखेगा चें चें। और इधर धूप लगा रहे हैं रिया जी और बाबू, दोनों धूप लगा रहे हैं। देखिए कितना कड़ा धूप आ जाता हमारे घर में, एक यहाँ हवा भी नहीं आएगा ना, इसलिए बाबू के लिए सही रहेगा, यहाँ बढ़िया होगा, हवा नहीं आता ना इसलिए। ये भी खेल रहा, हाँ खेलो खेलो खेलो। चलिए सबको बाहर निकाल देते हैं सुबह सुबह, इधर दिन भर इधर ही रहेगा। खटिया यहाँ पे बिछा दे रहे, आराम से हो गया, ब्रश वगैरह करेंगे, मुँह कान धोएंगे। और देखिए कितना प्यारा नजारा है अभी का, आज का मौसम का। सभी लोग देखिए इधर काम काज में लग गए हैं, वो फैल वगैरह है, खेत खलियान में सारे लोग काम कर रहे हैं। अभी आलू लगाने का भी सीजन है ना, इसलिए बढ़िया हो गया, आराम से धूप लगाएंगे। देखिए कितना बढ़िया लगता है ठंडा का मौसम में। तो खाटे को यहाँ बिछा दिए, आराम से कोई भी आएंगे और थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। और थोड़ा सा आंगन को भी झाड़ू वगैरह लगाना है तो लगा लेंगे इन लोग। हम ब्रश वगैरह करते हैं फिर मार्केट जाएंगे। दतवन सब खत्म हो गया, देसी दतवन बहुत सारा था, कोरेंस का दतवन था ना, नीम का नहीं है तो लाना पड़ेगा। नहीं वो ब्रश से हमको अच्छा नहीं लगता, ब्रश है पर हमको ब्रश अच्छा नहीं लगता, हमको दतवन से ज्यादा अच्छा लगता है, दतवन ही तोड़ करके ले जाते हैं ना। ब्रश कर रहेगी कि नहीं, ये तो बच्चा दतवन आते हैं, चलो दतवन तोड़ के आते, चला जाओ। ये है कुल्हाड़ी दोस्तों, देसी कुल्हाड़ी, गाँव का कुल्हाड़ी ले लिए, अब चलते हैं हम लोग दतवन तोड़ के आते हैं, है ना। सुबह सुबह चांदनी ले ली टांगा। और अभी हम लोग आ गए हैं तालाब के किनारे में, और ये रहा दोस्तों तालाब। देखो उधर से ट्रेन को पार हो रही है, ये लोकल ट्रेन है, देखिए ट्रेन पार हो रही है। दो दिखाते हैं इसका धार बना लेते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए यहाँ पे एक सील है, पत्थर है ना, तो यहाँ पे ऐसे 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 कर कर रगड़ना पड़ता है इस तरह से। और ये देखिए दोस्तों हमारा टांगा पूरा धार हो गया, कुल्हाड़ी देखिए कितना चिकना हो गया,
और दोस्तों अभी धान उमड़ना शुरू हो चुका, देखिए कुछ दिन के बाद ना धान पकना भी शुरू हो जाएगा। देखिए धान अभी कैसा लग रहा है, कुछ दिन पहले आप लोग देखेंगे पूरा हरा हरा दिख रहा होगा, पूरा हरा हरा, कुछ दिन के बाद एकदम पूरा ही पिल्ला पिल्ला नजर आएगा, पूरा पक जाएगा तब। देखिए पाइप इधर जुड़ा हुआ, लोग पानी पटा रहे हैं ना, खेत में पानी डाल रहे हैं, हम लोग पटाना बोलते हैं, तो लोग कमेंट करते हैं कि पटाना क्या होता है, पानी डालना हम लोग बोलते हैं पानी पटाना। चलो देखिए अभी हमारे गांव तरफ आलू लगाते हैं लोग, इस तरह से आलू लगाए जाते हैं, आप सभी लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए पहले हल जोताई होती है दो बार चार बार, अब बताओ कैसे हल थी आलू लगाओ, कैसे आलू लगाओ बताओ, बीच बीच में गिराई के तो शुरू ले बताओ ना। गिराना पड़ता है सबसे पहले हल, हल मतलब दो तीन बार लगाना पड़ता है, जब मिट्टी जब पूरा लाल हो जाएगा, पूरा घास वगैरह सब झाड़ना पड़ता है, फिर मतलब लाइनिंग लाइनिंग करके ऐसे करके बनाना पड़ता है ढीपा, इसको बोलते हैं ढीपा, आलू कितना कहते ना झोरा, इसको बोलते हैं झोरा गांव का भाषा में। इसके बाद इसमें खाद वगैरह डालते हैं, उसके बाद फिर देखिए बीच बीच में मतलब कि आलू लगाया गया, मतलब आलू यहाँ गिराया गया और ये डालते जा रहे हैं, देखिए लगभग लगभग होने ही चला है, बस इतना सा बाकी है। रही हम लोग को भी लगाना आलू, अभी लगा ही रहे, अभी समय है लगाने का, तो हम लोग भी लगाएंगे, क्योंकि हमारे घर में बैल वगैरह नहीं ना है और हम लोग का बाड़ी में ट्रैक्टर जाता नहीं है, तो जब लोगों का हो जाएगा तो फिर हल जोत देंगे। अब चलते हैं हम लोग भी देख के आते हैं अपना खेत, उधर से ही दोतवन तोड़ेंगे और खेत भी देख लेंगे अपना बाड़ी को। चलो ए कौन डरा रहा है भाई, कौन डरा रहा है भाई, और ये जो खेत है दोस्तों, ये खेत का धान है, एक नंबर उगा हुआ है, देखिए अजब होते, देखिए इसका धान देखिए कितना सुंदर सुंदर है, धान इसका काफी सुंदर सुंदर निकला हुआ है, और ये खेत का तो अभी तक धान निकला ही नहीं है, देखिए अभी निकलना शुरू हुआ ही, ये भी खेत का। ये पापा, ये? हाँ हाँ ये हाथी का? हाँ हाथी का पैर है, ये हाथी का पैर का निशाना है, ये सब देखिए कितना बड़ा बड़ा होता है, देखिए ये सब धान को बर्बाद करते हुए हाथी गणेश बाबा गए हुए, देखिए जहाँ जहाँ उनका पैर का निशाना है ना, तहाँ तहाँ सारा फसल को खराब किए हुए। अब हाथी हमारे घर अक्सर आया करेंगे, मतलब इधर आते हैं अक्सर, कल की परसों आए थे हमारे गांव तरफ हाथी, मतलब उतरे हुए थे, और हमारे जो घर है ना अपना सपनों का घर, उसके बगल वाला जो एक खेत है वही साइड से पार हुए थे। चावल चावल के चलो मैं उठा लेंगे, इसे उठा लो उठा लो इसे उठा लो, ठंडा लग रहा है चांदनी, पानी काफी ठंड लग रहा है, खेत का पानी में काफी ठंड लग रहा है, गिर जाते हैं, अच्छे से ना गिरना नहीं, गिरना नहीं। और ये देखिए हाथी का पैर का निशानी, देखिए कितना बड़ा है, ये सब है, आप चाहते डरेगी क्योंकि हम लोग जंगल की ओर हम लोग घुसने चले, अब ये देखिए इधर बहुत घना जंगल है, इधर अब आदमी एक भी इधर मिलेंगे नहीं, काफी सन्नाटा जगह इधर है ना। और दोस्तों जंगल जंगल मतलब जंगले जंगले काफी दूर आ गए हैं, अपना बाड़ी साइड आ गए हैं, चांदनी भी आ गई है, काफी दूर आ गए हैं, हमारा जो बाड़ी है बाड़ी के साइड आ गए हैं, और हम लोग आ गए दोस्तों अपना बाड़ी में, और ये रहा दोस्तों हमारा बाड़ी जंगल वाला, यहीं पे हम लोग को लगाना है आलू, तो आ गए, और आप लोग देखेंगे पहले वाली वीडियो में कि हम लोग हल वगैरह चलाए थे, अगर नहीं चलाए होते तो और बहुत ज़्यादा यहाँ घास भर जाता, बाकी देखिए पहले कैसा लग रहा था बाड़ी और अब कैसा लग रहा है, क्योंकि हम लोग तो काफ़ी उधर बिजी रह गए हैं, इसीलिए हम लोग लगा नहीं पाए, तो अब जा करके यहाँ हल जुताना पड़ेगा, और मेन बात है कि यहाँ ट्रैक्टर आता नहीं है, देखिए इधर पूरा धान लगा हुआ है चारों तरफ और इधर नदी है, इसी वजह से हम लोग मतलब कि अभी जुतवा नहीं पाए हैं, बैल या तो भैंसा से ही मतलब जुतवाना पड़ेगा ये खेत को, ये बाड़ी को, हम दतवन काट लेते हैं यहाँ से, कितना अच्छा अच्छा दतवन है ये सब, ये है नीम का दतवन, देखिए नीम का पौधे मतलब पेड़ ऐसा होता है, हाँ कहाँ भूत आ गया, दली चांदनी हमको डरा देता है कि हम जल्दी यहाँ से निकले, मेरे तरफ भूत आ गया। बच्चे के दिमाग ही होते हैं भूत वाला, और इतना सा तोड़ लिए दतवन, इतना तोड़ लिए और इतना बड़ा बड़ा दतवन बना लेते हैं। दिखाओ बेटा दिखाओ अच्छे से, नहीं मोबाइल दूर करो, इतना बड़ा बड़ा दतवन तोड़ लेते हैं चांदनी मोबाइल कर रही है, देखिए इतना बड़ा बड़ा दतवन साइज का बना लेते हैं, दो मुझे लो, और दोस्तों बढ़िया तरह से तोड़ लिए दतवन, इस तरह से बना लिए हैं, और यहाँ 15-17 पीस यहाँ दतवन है, तो एक एक करके धोएंगे तो 15 दिन चलेगा, बाकी अगर सबको धोएंगे तो 2-3 दिन चली जाएगा, देखिए कितना सुंदर लग रहा है अभी का मौसम, कितना आदमी हरियाली हरियाली लग रहा है, खेत खलियान, अब नदी भी सामने में ही है, नदी कहाँ बेटा बताओ नदी किधर है, हाँ देखिए चांदनी नदी दिखा रही है, मशरूम लोग उठाए दोस्तों ये जगह से, देखिए ये जो है ना यहाँ कहाँ से उठाए थे बेटा मशरूम, देखिए यहाँ से,
ये जो टीला है ना, ये बिल है, सांप का बिल है, यहाँ से उठाए थे, मतलब इसी जगह में उगते हैं मशरूम। अब चलेंगे हम लोग नदी, मुंह धोते होते अब नदी जा रहे हैं हम लोग। और ये रहा दोस्तों नदी, देखिए कितना लहर, मतलब आवाज आ रहा नदी का। अरे रे, डरा दी बेटा। पहुंच गए दोस्तों नदी, इधर कितना कांसी है, इधर फुला हुआ, इधर 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 आ। अब यहाँ कैसे पार होएंगे? अच्छा, पार होने का जगह है, अरे यहाँ पुलिया बना हुआ, चांदनी आ जाओ बेटा, देखो यहाँ पुलिया बना हुआ, देखो पुल बना हुआ छोटा सा, लोग पार होने के लिए, देखिए पुल बना हुआ, पारो के दिखाओ, पारो के दिखाओ, ये चांदनी पुल में पार हो, अच्छे से आना, घिरना नहीं, अच्छे से आना, चलिए। और यहाँ कितना प्यारा प्यारा यहाँ चट्टान है, ये पत्थर सब, धोने उने के लिए तो एक नंबर होता, बैठने के लिए भी एक नंबर होता, अच्छे से आना, गिरा नहीं, इधर से इधर से इधर से, देखिए यहाँ कितने सारे ये सब क्या है, समझ में नहीं आता, पूरा नाच रहे, काफ़ी यहाँ नाच रहे हैं सभी, क्या है ये सभी, क्या है रे, कीड़ा है। और हम लोग मजे से मुंह कान धो लेते हैं, रगड़ रगड़ के दांत साफ कर लेते हैं, चलो बढ़िया तरह से एकदम दांत रगड़ लिए, पूरा कचकचा किया था ना चांदनी, पूरा साफ कर दिया, आ जाओ अब मुंह धोते हैं, शुद्ध पानी एकदम निर्मल जल है दोस्तों, ये देखिए नदी का एकदम। चांदनी और हम बढ़िया तरह से धो लिए, आ जाओ अब चलते हैं यहाँ से घर, बढ़िया तरह से मुँह कान हमारी धोई हो गई दोस्तों, और चांदनी आगे आगे निकल गई। और देखिए दोस्तों यहाँ पहाड़ के बीचों बीच में कितना सा, मतलब सुंदर एक प्यारा सा एक बाड़ी है यहाँ पे, देखिए पहाड़ है चारों तरफ, पहाड़ है देखिए चारों तरफ, पहाड़ से घिरा हुआ जंगल झाड़ से, और बीच में ये जगह कितना ही प्यारा जगह देख रहे हैं, काफ़ी सुंदर जगह है ये वाला, ये बाड़ी है, ये भी जैसे हमारा बाड़ी है वैसे भी बाड़ी है, ये काफ़ी प्यारा लग रहा है ये वाला, देख रहे हैं ना, मस्त लग रहा है। चलिए काफ़ी दूर हम लोग आ गए नदी से, अब जल्दी हम लोग घर पहुँच जाएँगे, आ जाओ बेटा आ जाओ, यहाँ समझ में नहीं आ रहा कि रास्ता किधर से, चांदनी अपना खेल में लग गई है, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, चलते हैं घर, जल्दी आओ, आया ना गाड़ी से किधर, अब सुने हुए थे चाचा के, भागो भागो किधर है किधर है, कर बाय 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 बाय। घर पहुँच गए बेटा, याद आया अभी, हाँ याद आ गया। और दोस्तों कोई भी अगर रेल के पटरी में चले तो कृपया करके ईयरफोन का यूज़ ना करें, हेडफोन गाना वाना सुनने का, ये सब चीज़। घर पहुँच गए ना बेटा, इधर से गए थे, इधर से आ गए हम लोग, घर पहुंच गए। और ये रहा दोस्तों हमारा सपनों का घर, ये रहा पहाड़, बगल में रेल का पटरी है, चलिए चांदनी दौड़ के आ गई घर, अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे से। और बाबू काफ़ी रो रहा दोस्तों घर आते ही, इधर तेल मालिश हो रही थी बाबू का, देखिए इधर रो रहा दोस्तों ने सब लेकर के आ गए, कुहाए 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 कर रहा, बाबू पे जुल्म अभी हो रही है ना, नानी भी बैठे हुए सभी लोग, और बाबू भी अभी शांत हो गया, तेल वगैरह मालिश हो गई ना तो शांत हो गया, आज वगैरह इधर सुनीता इधर लगा दे रही है, अब मोटा हो रहा धीरे धीरे नमय है ना, देख सुनता नहीं मोटकी है तक ना, ये मोटी है ना, ये भी ऐसे ही मतलब कि मोटा होगा। और अभी इधर रिया जी भी खाना वगैरह खा रहे हैं, देखिए खाना खा ली है, और इधर अब चांदनी खा रही है, चांदनी मुंह धो ली है, दोनों माँ बेटी एक थाली में खा रहे हैं, और बाबू भी इधर सोया हुआ है, तेल वगैरह मालिश हो गया ना तो इधर सो रहा, सुला देंगे थोड़ा सा भी, मतलब की रहेंगे बढ़िया से, रात में तो सोता नहीं है, चाय चे चे चाय करते रहता पूरा रात भर, हाँ बढ़िया है, चोर खेतता रात में है ना, सोए रहेंगे तो बाबू जगाएगा ना। चलिए अब खाना अपने से बांट के खाते हैं, अब रिया जी अपने बांट के खा रहे हैं, अपना काम इंसान को सोए करना ही चाहिए, हाथ वगैरह धो करके फ्रेश हो गया बढ़िया तरह से, और मम्मी इधर खाना लगा दे रहे हैं मेरे लिए, चलिए इधर खाना लेकर के हम भी आ गए, बैठ गए, पानी वगैरह सब मम्मी जी ला दी हैं, ये पानी के बगैर हमको खिलाता ही नहीं है भाई, नानी इधर खा रहे हैं, हम भी खाना खा लेते हैं, उधर रिया जी लोग भी खाना खा रहे हैं, सुंदा भी गई फ्रेश होने के लिए, तो चलिए सभी लोग खाना पीना खाएंगे, आलू का भुंजिया है और हमारा दाल भात है, सब्जी खत्म हो गई तो जाकर आज लाना पड़ेगा ना, हाँ खाना पीना हो गया बढ़िया तरह से, थाली वगैरह धो देते हैं, इन लोग भी अपना धूप वगैरह लगा रहे, इधर टहल रहे, नानी हाथ हाथ धो ले, लोगों को अपना काम ना सोया करना चाहिए, इससे कोई किसी को गुस्सा भी नहीं लगेगा। और दोस्तों थाली वगैरह धो करके हम भी निकल गए, और विराट अभी चै चै कर रहा था अभी, क्यों रे आप सभी लोग दिखा रहे हैं, देखिए तेल मालिश हो गया रे बबुआ, सब चीजें हो गया तो आराम से सूतो, अब ये भी नहा ली चांदनी, अब रियाजी थोड़ा सा फ्रेश होंगे, नहाएंगे धोएंगे, क्योंकि अभी नहीं नहाएंगे तो फिर उल्टा टाइम है ना, काफी ठंडा लगने लगता है। और मम्मी भी आ गए यहाँ बैठे हुए हैं, और नानी भी बैठे हुए हैं, और सुनीता भी अंदर में थोड़ा सा चिंतित है बेचारी, मतलब शादी विवाह का भी घर में बात चल रहा ना, तो जितने भी लड़कियां होती है थोड़ा सा चिंतित रहती है, क्योंकि अभी माँ बाप की अभी
कदमों में मतलब आश्रय में है, उतना डांट फटकार मतलब कुछ होता नहीं है। माँ बाप तो जानते ही है कि कितना मोह माया होता है, मतलब कितना बच्चे को प्यार करते हैं। और अभी शादी विवाह का बाद भी चल रहा था, बेचारी अभी अंदर में बैठी हुई है, पढ़ाई की क्या कर रही है, इसका तो मन भी नहीं लगता होगा। लेकिन मम्मी भी खुश है, माँ बाप तो खुश होंगे ही, क्योंकि जानते हैं आप लोग एक जिम्मेदारी होती है माँ बाप में ना, मतलब माँ बाप भाई। देखिए यहाँ बैठी हुई है चुप करके सुनीता। तो चलिए आज राय पूछते हैं कि सुनीता का क्या विचार है, शादी करना है कि नहीं करना है ना। चलिए आ जाओ बाहर आ जाओ। और दोस्तों सुनीता भी इधर आकर के देसी फिनाम बैठी हुई है। तो चलिए राय पूछते हैं सुनीता का कि आखिर इसका क्या मन कर रहा है, मतलब क्या मन, इसका मन में क्या है, शादी करना है कि नहीं करना है, कि पढ़ाई करना है। मम्मी भी है, बस पापा नहीं है, और पापा रहते तो भी पूछते भी नहीं, क्योंकि एक्चुअल हम लोग में फ्रेंडली की तरह हम लोग रहते हैं, हम और सुनीता। बाकी शादी विवाह जो होती है दोस्तों जीवन भर का बात होता है कि नहीं, और थोड़ा सा दबाव में नहीं होना चाहिए, इसका क्या पसंद है, इच्छा है कि नहीं है, ज्यादा तो नहीं पूछेंगे, बस इतना पूछेंगे शादी करने की इच्छा है कि नहीं। तो चलिए पूछिए 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 कि ना पढ़े मन आए ने कि ना मन आए मन आए पढ़े मन आए ना शादी करें। तो मम्मी जी पूछ रहे हैं इनके, हम क्या बोलेंगे, ऐसे कोई भी लड़की तो बोलेगी नहीं कि हमको शादी करने का है कि नहीं, कोई भी नहीं बोल सकते, कोई लड़की बोलेगा ना, सब तो नहीं बोलता कि हमको शादी नहीं करना है। हमको मतलब कितनों भी साल रहे ना, मन तो करता है कि अपने ही मतलब कि घर परिवार में रहे, अपना मायके में रहे, सबको यही इच्छा करता है। लेकिन स्टार्टिंग में, और ये जो है जैसे कि आप सभी लोग पता है कि लड़कियां पराये धन होती है, सबको जाना है, बड़े होगी नीतू कह रहे चांदनी सभी इतना दिन छोड़ करके चांदनी हंस रही इसको क्या अभी बताई बच्ची अभी इसको है ना। तो चलिए जैसा होता आप सभी लोग बताएंगे, अच्छा बताओ क्या करना, बोलो हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे कह रही है। तो चलिए ऐसा भी ऑन कैमरा है, हमारी वीडियो को बहुत लोग देखते हैं, तो पूछ लेंगे पर्सनली, रियाजी पूछ लेंगे है ना। तो बाकी जैसा होगा आप सभी लोग बताएंगे, अभी तो गए हैं, हम लोग भी सोच रहे हैं, जैसा होता है अगर हो जाए तो बढ़िया बात है, अच्छा लड़का मिलेगा तभी होगा भाई, अगर अच्छा लड़का नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। और आप लोग भी ज्यादा ही कमेंट करते थे ना कि नौकरी वाला लड़का चाहिए, नौकरी वाला लड़का चाहिए, तो भगवान से दुआ करें कि अच्छा लड़का मिल जाए तो बढ़िया होगा। बाकी सबका तो इच्छा रहता है, सभी का, अपने पेरेंट्स का, माता पिता, बड़े भाई कि अच्छा घर घराना में शादी हो, लड़का कुछ करे कमाए। और आप लोग ज्यादा कमेंट आ रहा था कि नौकरी वाला नौकरी वाला नौकरी वाला, तो जो किस्मत में वो तो मिलेगा ही, बस लड़का सही होना चाहिए, पीने खाने वाला नहीं चाहिए भैया, क्योंकि हम भी सब चीजों से दूर हैं, हमेशा हमारे परिवार में कोई भी सब आदत नहीं है, किन्हीं का भी नहीं, इसलिए ऐसा परिवार ना ही मिले तो बढ़िया रहेगा, अच्छा परिवार। हाँ बस लड़का सही चाहिए। तो चलिए आप लोग तो राय जान गए सुनीता का क्या राय है, बाकी तो बोलेगी ही नहीं, बाकी जैसा होगा वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा, क्योंकि कोई भी लड़की तो बोलेगी नहीं मेरे को शादी करना है। तो चलिए जो होगा बाकी किस्मत की ही बात है, भगवान से दुआ करें कि अच्छा ही हो, अच्छा घर घराना मिले हम लोगों को। बाकी अभी कंटिन्यू हमारा देखना, इस साल तो देखेंगे ही, जैसा होगा नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप सभी लोगों को। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि काफी मजेदार मजेदार वीडियो आने वाली है शादी विवाह से रिलेटेड भी। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय।